हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक्नोलॉजी मास्टर। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको रियलमी एंड ओप्पो के हिडन फीचर के बारे में, जो कि है टैब बार का ये फीचर। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम गैलरी में जाकर कई बार हमें ये एरर शो करता है, सक्सेसफुली सेट एज ए प्राइवेट टच एंड होल्ड द टैब बार टू व्यू। तो इसमें ये हमें पता नहीं लगता हमारी फाइल कहाँ गई, हमारी फाइल हाइड हो जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको साथ में आपको तभी पता लगेगा कैसे होता है ये। जैसे ये मैंने फाइल सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन आता है। जो मैं सेट एज प्राइवेट करूंगा तो ये फाइल यहाँ से गायब हो जाएगी और फाइल हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एरर शो कर देगा, सक्सेसफुली सेट एज ए प्राइवेट टच एंड होल्ड द टैब बार टू व्यू। ये सेटिंग दो तरीके से ओपन होगी, तो आपको बताता हूँ कैसे ओपन होगी। पहले वाली सेटिंग हम ओपन करेंगे, हमको पहले सेटिंग में जाना है, फिर आपको जाना है प्राइवेसी में, फिर जाना है प्राइवेट सेफ में। प्राइवेट सेफ में जाने के बाद मेरा तो जैसे ये सीधा ही फेस अनलॉक से अनलॉक हो गया। पहली बार अगर आप सेटअप कर रहे हो तो आपसे ये सेट एज पासकोड मांगेगा, तो आपने पासकोड अपना सेट कर लेना है। और आपको ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछेगा, वो क्वेश्चन का आपने आंसर भी डाल देना, ताकि अगर आप भूल जाओ पासवर्ड तो बाद में आप इसको रिकवर कर सको, क्योंकि ये रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है ये पासवर्ड। तो आपको ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, यहाँ पे इमेजेस एंड वीडियो शो करेगा, ऑडियो शो करेगा, डॉक्यूमेंट शो करेगा और अदर फाइल शो करेगा। इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट में जो मैंने अभी इमेज हाइड की, यहाँ पे ये देखिए इमेजेस ये पड़ी है, यहाँ पे सेट एज प्राइवेट किया तो यहाँ पे आ गई है इमेजेस। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो आपने कहाँ जाना है, फोटोज़ में जाना है। टैब बार कौन सी है, तीन टैब, फोटोज़, एल्बम्स और एक्सप्लोर, ये तीनों ही टैब बार है। इसके ऊपर अगर आप टच एंड होल्ड करोगे फिर आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। मेरा तो जैसे ये फेस अनलॉक से ओपन हो रहा है, मेरा ये फेस अनलॉक से ओपन हो गया। ठीक है, ये सीधा ही आपको इमेजेस एंड वीडियोस के ऊपर ले जाएगा। ये देखिए, जैसे ये मैं अब दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको, ये आप पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं फिंगरप्रिंट से करता हूँ, फेस अनलॉक से नहीं कर रहा। तो ये देखिए, इसमें इमेजेस एंड वीडियोस के ऊपर पहुंच गया सीधा ही, जो मैंने हाइड की हैं वो। आपके अगर आपकी गलती से हाइड हो जाती है फाइल कोई, तो यहाँ पे आके आप उसको रिकवर कर सकते हो। यहाँ से रिस्टोर सेट एज पब्लिक कर दोगे तो वो सेट एज पब्लिक मांगेगा, फिर आपको फोल्डर पूछेगा कौन सा फोल्डर है। जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट थे, मैंने स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करके उसको ओके कर दिया, सेट एज पब्लिक कर दिया, वो सेट एज पब्लिक हो गए। ये देखिए वापस आ गई ये फाइल्स। तो आप ऐसे अपनी फाइल्स को रिस्टोर भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फीचर है, कईयों को पता नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को ये इसका फीचर का पता नहीं है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।